एक बार की बात है, एक बस ड्राइवर हर रोज की तरह बस चला रहा था। उस वक्त बाहर की आबोहवा बहुत अच्छा था। उस वक्त ड्राइवर ने भी बहुत ही अच्छे से बस चला रहा था। गाड़ी बहुत ज्यादा तेजी के साथ चल रहा था। बस के अंदर गाने भी चल रहा था। उन सारे गाने सुनकर कोई सो रहा था तो कोई गाना गुनगुना रहा था। उनमें से कुछ लोग खिड़की के बाहर शहर के तरफ देख रहे थे, कुछ लोग अपना टिफिन खा रहे थे तो कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ गप्पे भी मार रहे थे। मतलब सब कुछ मिलाकर बस के अंदर एक अच्छा माहौल था और बस भी अपने गति से आगे चलता जा रहा था। लेकिन अचानक ड्राइवर के फोन पर एक कॉल आया था और बस भी रुक गया था। उस ड्राइवर की फोन में बात करते करते 5 मिनट हो गया था, पर ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट नहीं दिया था। वो ड्राइवर फोन पे बस बातें करते ही जा रहा था। तब बस ड्राइवर की ये कारनामा देखकर सारे पैसेंजर बहुत गुस्सा हो गए थे। सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लग गए थे, कुछ लोग तो गाली गलौज भी करने लग गए थे, लेकिन वो ड्राइवर बिल्कुल चुप था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो चुपचाप बस बैठा था। धीरे धीरे सारे पैसेंजर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। बस के अंदर चिल्लाना और भी ज्यादा बढ़ गया था। ये परिस्थिति को देखकर कुछ लड़के तो बिल्कुल खुद को रोक ही नहीं पाए थे। तब उस लड़कों ने ड्राइवर के सामने चले गए थे। उस वक्त के अंदर ड्राइवर की फोन में बात करना भी खत्म हो गया था। तब उन सारे लड़कों ने उस ड्राइवर को अपने मन के मुताबिक धमका रहे थे और चिल्ला कर उनको ऐसे बस थमाने की वजह के बारे में जानना चाह रहे थे, समय की कीमत के बारे में ज्ञान भी दे रहे थे, लेकिन ड्राइवर बिल्कुल ही चुप था। तब उन लड़कों में से एक लड़के ने ड्राइवर के कॉलर पकड़कर बस मारने ही जा रहा था, पर तब ड्राइवर ने अपना मुंह खोले थे। तब वो ड्राइवर ने रोते रोते कहे थे कि कुछ ही देर पहले मेरे भाई ने मुझे फोन किया है, कुछ देर पहले ही मेरी माँ मर चुकी है, उसके साथ ही अब तक बातें कर रहा था मैं। ड्राइवर के मुंह से अचानक ऐसी बातें सुनकर बस के सारे लोग तो बिल्कुल चुप ही हो गए थे। उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर से बस चलना शुरू हो गया था। बस तो चलने लगा पर उसके अंदर कोई भी खुशी नहीं थी। बस के सारे लोग बस चुपचाप ही बैठा था। दोस्तों, हमारे जिंदगी में हम लोग बाहर से ही कुछ देखकर बस उसके बारे में अपने मन के मुताबिक ख्याल बना लेते हैं और बस बाहर से ही विचार करते रहते हैं। हम लोग किसी भी घटना के अंदर घुसकर उसकी असली वजह असल में हम लोग जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर से देखकर किसी के बारे में कुछ भी विचार करना उचित नहीं होता है। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट पे बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलता रहे।